बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ थ्योरी आपको बताता चलूँ कि इसमें पेज नंबर 92 पे इसके कुछ 92 या बिल्कुल पेज नंबर 92 पे आपको ये जो पहला है ना ये आपको याद रहने होगी कि अगर साइन का डिराइवेटिव आ जाए, साइन ऑफ एक्स का डिराइवेटिव कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, टेंजेंट का सेकेंड स्क्वायर है, कोटेंजेंट का टेंजेंट सेकेंड है, नहीं कोटेंजेंट का माइनस कोसेकेंड है, सीकेंट का टेंजेंट सीकेंट है और कोसेकेंट का माइनस कोटेंजेंट कोसेकेंट है। ये जो चीफ फार्मूले है ना ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन देखिए अब जिस तरह हमने उस तरह वहाँ पढ़ा था कि जनरलाइज पावर रूल के बेस का दोबारा हम डिराइवेटिव लेंगे, यहाँ पर देखिए इधर डी डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है तो कॉज ऑफ एक्स। इसमें हम दोबारा डिराइवेटिव इसलिए नहीं देखते क्योंकि एक्स का डिराइवेटिव जब दोबारा हम ले तो ये हमको वन देगा, वन मल्टीप्लाई होकर फिर यही आएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देख ले डी डी एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है यू है। देखिए कॉज ऑफ यू, इसका डेरिवेटिव कॉज ऑफ यू है और दोबारा हम इसी का डेरिवेटिव लेंगे डी यू डिवाइड बाई डी एक्स। तो ये बेसिक चीज़ है, ये जो है ना ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज को करना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपके लिए फार्मूले याद होना चाहिए, पर याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरह पेज नंबर 97 पे मेरे ख्याल से कुछ है, बिल्कुल 97 पे इसके इनवर्स है। देखिए अगर आ जाए कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का क्या फार्मूला है, तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला जो है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। कॉस का क्या है, ऊपर माइनस है और वही चीज़ है। देखिए ना आपको याद करने का तरीका क्या होगा, देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स का अगर आपने याद कर लिया कि 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अब कोई पूछे कि कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स ऑफ एक्स का क्या है, तो आपने कहना होगा कि जो ऊपर 1 था उसके साथ माइनस लगा लो, नीचे वही चीज़ है और वही चीज़ है, मतलब क्या है कि -1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का क्या फार्मूला है, देखिए 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा और कोटेंजेंट का क्या है, -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब देखिए सीकेंट का क्या है, सीकेंट का 1 डिवाइड बाई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोसेकेंट इनवर्स का क्या है, -1 डिवाइड बाई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये फार्मूले और ये फार्मूले अगर आपको याद हो तो आप इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो पहला वाला जो है इसका प्रूफ मैं आपको कर लेता हूँ, बुक में मौजूद है लेकिन आपको समझा चलूँ कि इसका प्रूफ किस तरह करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि इसकी प्रूफ के लिए आपको जो फर्स्ट ईयर है उसकी ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, तब आप इसको कर सकेंगे। अच्छा चले इसमें है, देखिए क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू के साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स डी। ठीक है, ये इसके बराबर है, किस तरह देखिए इसकी प्रूफ आप देख ले। ठीक है, अब देखिए ये वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है वाई इज इक्वल, मैंने इसको वाई नाम दिया। अच्छा वाई क्या था, वो हमने पढ़ा था कि वाई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा हमने पढ़ा था ये कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये मैंने आपको समझाया था वो ग्राफ के जरिए कि चेंज, वो चेंज की बात जिसमें मैंने की थी, डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज। जो ग्राफ मैंने कुछ इस तरह का ग्राफ बनाया था और इस तरह दो पॉइंट्स पे लिए थे और मैंने कहा कि मैं अगर इसको इस तरफ जीरो के करीब लाऊंगा, तो ये मैंने वहाँ पर प्रूव भी किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ठीक है अब देखें जहाँ पर f है f वहाँ आप क्या लिख ले, साइन लिख ले, मतलब x की जगह। तो ये देख लिया, अगर इस साइन को मैं f की जगह लिख लूँ और x तो ये है यहाँ पे, देखें मतलब क्या है कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो तो f की जगह साइन लिख ले और x क्या है, x का समय ये है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस डेल्टा x माइनस, अच्छा f ऑफ f क्या है साइन और x अपनी जगह पर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा x अपनी जगह पर। अब देखिए ये देखिए अगर आप इसको देख ले तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था साइन कॉस कॉस साइन, मतलब क्या है कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो तो साइन x cos ऑफ डेल्टा x प्लस cos x साइन डेल्टा x माइनस साइन x और डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब देख लें,
अब ये डेल्टा एक्स इस दोनों के नीचे भी है और इस दोनों के नीचे भी है और इसके नीचे भी है, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि साइन एक्स को मैं इधर ही लिखते हूँ और कॉस डेल्टा एक्स के नीचे मैं क्या लिखता हूँ, डेल्टा एक्स, ठीक है। प्लस कॉस एक्स को मैं इस तरह लिखता हूँ और साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिखता हूँ, ठीक है। और माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ठीक हो गया। अब देख ले, ये देखें ना, ये इन इन इसके नीचे भी है, साइन कॉस के नीचे भी, कॉस साइन की भी और साइन के नीचे भी। लेकिन अगर ये दोनों प्रोडक्ट में, तो मैं इसको साइन के नीचे भी लिख सकता हूँ और कॉस के नीचे भी लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ कॉस के नीचे लिख लिया। और लिमिट वही है कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अब देखिए इसकी कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं। अगर हम इस तरह कर ले कि अच्छा लिमिट अप्लाई कर लो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, और साइन ऑफ एक्स, ठीक है, कॉस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपनी जगह पे, अच्छा माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, मैंने इसको पहले लिख लिया, ठीक है, और प्लस ये इधर आ गया, मतलब मैंने इसको इधर लिख लिया, इसको इसके बाद लिख लिया, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स और साइन डेल्टा एक्स, नज़र आ रहा है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ठीक हो गया। अब देख ले, ये मैं इसको लिखते हूँ, ठीक है। अब देख ले, अगर मैं इससे, इस वाले से, इससे मैं साइन ऑफ एक्स कॉमन कर लूँ, कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा, कॉस डेल्टा एक्स माइनस वन डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, और प्लस कॉस एक्स और साइन डेल्टा एक्स, समय डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ये अपनी जगह पे, ठीक है। ये जो जगह है इससे मैंने साइन एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा लिमिट वही होगा कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अब देख लें, अब साइन एक्स पे लिमिट नहीं लगेगा क्योंकि कांस्टेंट, अगर इधर डेल्टा एक्स होता तो हम इस पे लगा लेते, ठीक है। तो साइन एक्स को हमने बाहर कर लिया, लिमिट मैंने लगा दिया किस पे, कॉस डेल्टा एक्स माइनस वन डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, प्लस कॉस एक्स पे नहीं लगता, मैं बाहर लिख सकता हूँ कॉस एक्स, और लिमिट मैंने लगा दिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब देख ले, मैंने मैंने आपको समझाया था, वो पहली वीडियो में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, मैंने कहा था कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो हो और साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स हो जाए तो ये किसके बराबर होगा, मैंने कहा कि ये वन के बराबर होगा, ठीक है। अगर आपको याद हो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, साइन एक्स, एक्स की जगह डेल्टा एक्स है कोई बात नहीं, नीचे अगर डेल्टा एक्स है तो ये वन के बराबर होगा, नीचे है तो ये वन के बराबर है। अच्छा ये भी मैंने बताया था कि अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो हो और कॉस ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स होगा तो ये किसके बराबर होगा, ये जीरो के बराबर होगा, ठीक है। साइन एक्स, ये मैंने इसकी जगह ज़ीरो पुट कर लिया, प्लस कॉस और साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स लिमिट लगा लिया तो ये वन है, तो ये हो जाएगा ज़ीरो प्लस कॉस, ये कॉस, इसका प्रूफ हो गया, इसका प्रूफ हो गया कि साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉस है, ठीक है। आपको ये याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए, अगर आपको ये क्लियर ना हो, क्लियर है, अगर अगर आपको ये फार्मूले क्लियर ना हो तो आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे।